तो पता लगा कि हमने कि पूरी टीम कहाँ है हमारी, तो वो टीम जो है वो कुछ मिसिंग लगी है, हमने कि कहाँ है, आवाज आ रही दूर से, हमने कि ध्यान लगा, हमने कि यार ये आवाज सी कहाँ से आ रही है, ढोल मजीरा की सी आवाज आ रही है, हाँ ढोल मजीरा की सी आवाज आ रही है, ये कहाँ से आ रही है। तो पता लगी तो वहां बैठ के झोंपड़ी में श्रीमान जी और टीम के कम से कम कई लोगों को लेकर के, रोहित भाई जो हमारे जो है, और वहां पे क्या चल रहा था रोहित जी वो आप ही बताइए। ना तुम गाओ गाओ सर, देखिए हुआ ऐसा था कि हम लोगों का सीन हो चुका था उस समय, और मेरे साथ और दो तीन किरदार थे इसी फिल्म से संबंधित, और हम सब लोग फ्री बैठे हुए थे, तो सर ने बोला कि आप एक काम कीजिए, क्योंकि हम लोग सुबह से यहाँ आए हुए हैं और सुबह से किसी ने ना कुछ नाश्ता किया है ना कुछ खाया पिया है, तो सर ने अनुमति दी कि आप चले जाइए और वहाँ बैठ के, और छप्पर पड़ा हुआ था गाँव में, तो छप्पर में बैठ करके हम लोग कुछ खाने पीने की व्यवस्था करने वहाँ गए। तो हम जैसे ही वहाँ पहुंचे तो गांव के कुछ लोग आए थे, क्यों हमने उन व्यक्ति से बड़ा अनुरोध किया, मैंने सर एक गाना सुना दीजिए भाई साहब, तो मुझसे कहते हैं कि मैं ढोलक बजा रहा हूँ और आप वो वाला गाना गा के सुनाओ, बहारो फूल बरसाओ। अब होता क्या है कि उस स्थिति में जब हम गांव में एक मंडली में बैठे हुए हैं और बहारो फूल बरसाओ एक अलग ही गाना है बिल्कुल, तो वो माहौल नहीं बन पाया मुझसे, और मैंने एक लाइन उसकी सुनाई भी थी लेकिन मुझे नहीं मजा आया। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो फिर वो अंदर से दूसरा ही गाना था, वो बड़ा पसंद है मुझे कि आपने सुना होगा कि कब आएंगे मेरे बंजारे, तो बड़ा ही अच्छा गाना था और बहुत मजा आया वहाँ पे, और वही वाली बात है कि बहुत सीरियस मुद्दे पर बनी हुई ये फिल्म है पूरी, मगर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही यादगार रहेंगी और हमेशा याद रहेंगी।